डॉक्यूमेंट्री में इतने अच्छे रिस्पांस के लिए बहुत थैंक यू। सब भाई लोग ने अपनी स्टोरी पे डाला, पहुंचा दिया केडीएम वालों तक। केडीएम वालों ने भी अपनी स्टोरी पे डाला, जैन भाई ने अपनी स्टोरी पे डाला, केडीएम वालों ने मैसेज भी किया था मेरे को उसे ऑफिशियली डालने के लिए। फिर मैंने उनको बोला कि क्रेडिट वेडिट दे देना, टाइटल में क्रेडिट दे देना, मैंने भेजा भी था। उसके बाद उनका रिप्लाई नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को फर्क पड़ता है ना, आई डोंट केयर। एक मिनट रुकना, मेरे कुछ आँख में चला है। मैंने उसे पूछा था बोहेमिया सर ने वीडियो देखी है कि नहीं, तो वो कह रहे थे कि सारी टीम ने वीडियो देखी है। बोहेमिया सर ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, वो अलग बात है। ऐसा थोड़ी है वो हर किसी अरे गहरे को रिस्पॉन्स करने लगता है। अब सोचो कल को कोई टिकटॉक बना और बोहेमिया उसका रिप्लाई कर रहे हैं। वैसे अगर अभी भी बात चल भी रही होती तो मैंने वो भी खत्म कर दी इस वीडियो के बाद। जब भी कहीं नाम बनने वाला होता है ना, कोई ऐसी हरकत ही कर देता हूँ मैं। नहीं, मैं मजाक कर रहा था। बोहेमिया डजंट ओ मी एनीथिंग, बल्कि उनसे मिला है मेरे को सब कुछ। मेरे लिखना, शायरी पढ़ना, सब मैंने उनसे इंस्पायर होके शुरू किया। मेरे चैनल पे पूरे 1.5 लाख व्यूज होंगे और 1 लाख व्यूज उन्हीं की देन है। तो मैं तो बस उन्हें थैंक यू ही कह सकता हूँ। बोहेमिया सर ने रिस्पॉन्ड नहीं करा, पर दो बंदे सोहन और मोहन, दोस्तों मेरा नाम है रोहित और मेरे साथ हैं मोहित। पर उन्होंने काली देन वाली डॉक्यूमेंट्री पर रिएक्शन दिया था, तो अब उनके रिएक्शन पे रिएक्शन देते हैं। आओ मिलके देखते हैं। तो क्या बात है, क्या इंट्रो है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल reaction.com में। तो दोस्तों मेरा नाम है रोहित और मेरे साथ हैं मोहित। आइए बढ़िया करें। तो आज हम, मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए है ना। मेरा नाम है दादे और मेरी पीठ खुजा दे। काली तो चलो देखते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्री का नाम है काली दुनाली। देखते हैं भाई, दुनाली नहीं है, काली दुनाली दुनाली है कि दुनाली नहीं है, काली दुनाली है, दुनाली गाड़ी है। हाँ, एक मीडिया वाले ने भी यही वाला सवाल पूछा था बोहेमिया से। काली दनाली तो बंद हो गई, क्योंकि किसी ने मना कर दी, दनाली बंद है, शराब बंद है। तो बाद रैप की तुसी देखोगे टू यू नो मेक इट प्रोमिनेंट वन। कुछ ऐसा गाना बनाएंगे जो बैन नहीं होगा। बोहेमिया ने कहा कहाँ से आ जाते हैं। तो आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू दैट व्हेन आई सेड काली दनाली वाजंट दनाली, इट वाज काली दनाली। दनाली इज अ कार, GMC Denali is a car. I wasn't talking about Denali. Denali गाड़ी है जो GMC वालों ने जो अमीरों के लिए गाड़ी निकाली, जिसका रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है। कुछ नहीं अलग है उसमें, बस उसका रेट ज्यादा है। क्या इंसान जिसका पेट भी दुख सकता है, सर भी दुख सकता है, जिसका दिल टूट सकता है, जिसका जो नाराज हो सकता है, जो डर सकता है, जिसको पसीना आ सकता है, जो हर्ट हो सकता है, कभी आप देते हो। आप कभी अपने दोस्त के लिए कुछ बोलते सोचते हो कि नहीं यार इतना ऐसे तो नहीं बोलूंगा। चैनल का नाम है आर यू इन द स्टोरी, मेरा नाम है दादे। मेरे फ्रेंड्स नाल मैं गाना नहीं शेयर करता, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मेरे पे हंसना। अभी रिएक्शन चैनल है तो कुछ तो रिएक्शन दो। जब वो जोक मार रहा है तो हंसना तो चाहिए कम से कम, रिएक्शन आना है। सोहित मोहित, दोस्तों मेरा नाम है रोहित और मेरे साथ हैं मोहित। हाले दिल लिखा बंधु गम जो गुजारा लिखा, जब कभी लिखने बैठे नाम तुम्हारा। एक चाहा था जिसे वो ही ना मिला हमको, एक चाहा था जिसे वो ही ना मिला हमको, पर ना हाथों की लकीरों में ना था क्या लिखा। एयर पोएट्री में लिखी हुई जब तो आई वाज लाइक मेरी 12-13 साल का, मैं इस वाले म्यूजिक ज्यादा है तो मैं भी म्यूजिक का। म्यूजिक ना इसलिए ज्यादा है क्योंकि पीटीसी का इंटरव्यू था, उसमें से लिया था ये ऑडियो। फिर मैंने ऐसे कि भी मैं अपनी अपनी स्टोरी दसनी है शायरी ना। बंदा वैसी बात कर रहा है, सीरियस बात कर रहा है, और म्यूजिक पीछे टक 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 ऐसा चल रहा है। तो उस म्यूजिक को दबाने के लिए
ये अपना वाला बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज़ थोड़ी सी बढ़ानी पड़ी थी, इसकी वजह से वो थोड़ी सी ऑडियो भी कम हो गई, पर दिक्कत अब समझ रहे हो। पहले उर्दू में स्टार्ट की थी इन्होंने, फिर पंजाबी में आया, उसके बाद अब इंग्लिश में लिखने लगे। कुछ भी है, इस बंदे को कुछ नहीं पता, सोहित मोहित को क्या बोल रहे हैं ये, मैं इंग्लिश में कब लिखते हैं बोहेमिया। मैंने कहा डैडी मुझे आते लोग बुक थे कास्ट भी करना है, डैडी मुझे लग रहा है वो कितने लोकेशन। मैंने कहा ना जाके लोगों की थे डैडी ऐसे ऐसे रिएक्शन देते हैं, ये थोड़ी खांस रहे हैं, बाल बना रहे हैं। मैंने अपने मुझे हाँ जी देखा हूँ थोड़े मेरे डैडी लोग के लिए खेलेंगे। थोड़ी सी तारीफ तो होनी चाहिए थी ना यार, एडिटिंग की है एकदम मिलाया बिल्कुल मैंने। वो मजा इसको कोरोना है, इसने मास्क भी नहीं पहना है, बार बार खांस रहा है सोहन मोहन। अरे नल एक मैंने बड़ा लगाव हो गया क्या कि चीज है, कुछ दो लाइन है सब साले हीरो बनना चाह रहे अपनी पिक्चर में, वीडियो से ज्यादा बाल की पड़ी है, कैसे दिख कैसे रहे हैं, ऐसे बाल करा लो। वो कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, कल्चर शॉक होगा। वही सेम बात रिपीट कर दो। इस बंदे को कुछ नहीं पता है क्या बोल रहा है, बिल्कुल मेरी तरह। मैं भी कैमरा लेके बैठा हूँ, पसीने में नहा रहा हूँ, बंगा बंद करके बैठा हूँ क्योंकि वरना घर आवाज आती है, पर ये दोनों भी मेरी तरह ही हैं। मैं पाँव आँख नहीं पाँव, तुम धीरे धीरे सुनोगे ना तो छन 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 छन, वो बंदा सीरियस बात कर रहा पीछे म्यूजिक छन 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 सुनाई देगा वो। जिन्नु तुसी स्ट्रगल के अंदर हो, थैंक यू। फन मैं उन्हों टाइम समझना जब छोड़ गए मम्मी के बाद, जब छोड़ गए फिर मैं काचे मम्मी दा तुसी यू नो एज अ यंगस्टर तुसी जब ग्रो अप होंदे हो रिएक्शन पे रिएक्शन देते हैं कि अपनी शक्ल बार बार देखते रहते हैं। मैं ये नहीं कभी सोचा सी कि मैनू फेस करना पड़ना है, मैंने मैं कहनी हूं मैं एज अ बैकअप म्यूजिशियन नहीं कहते जा एंड मेरे को स्टूडियो के बैग करना स्टार्ट किया, पीछे इनकी खड़खड़ा डूडा, मम्मी बुला रही है खाना खाने के लिए, कुत्ते भौंक रहे हैं, पर बंदों को कोई परवाह नहीं है, यानी पॉज कर लेंगे हम, थोड़ा सा दोबारा से रिकॉर्ड कर लेंगे। नो व्हाई, क्यों क्यों मेहनत करनी, क्यों मेहनत करनी, फेस तो करना ही पैंदा है, फेस तो करना ही पैंदा, फेस तो करना ही पड़ना है, असल में अपनी स्टोरी लिखते थे ना ये, फिर किसी को इन्होंने देखा कि यार इसने बंदे ने दो लाइनों में यार इतना कुछ बोल दिया, तो फिर उसको पता लगा अच्छा ये शायरी है कि जो मतलब इतने मतलब पूरी स्टोरी को दो तीन शब्दों में ब्याह करते, तब से ये शायरी लिखने लग गए, तो शायरी अब फिर बाहर चले गए तो बाहर उनको कोई और चीज सीखने को मिली, कोई और चीज सीखने को मिली, फिर वो कॉटन कैंडी बनाने लग गए। नहीं, नो, रिएक्शन दो खाली, ओपिनियन नहीं मांगे हैं। You know, पंजाबी, which is both in India and Pakistan. अब ना ये जो मैंने इधर वीडियो लिया, ये वीडियो बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसने, वॉक्स वालों की है, बाउंड्रीज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कैसे दोनों को डिवाइड करा, दोनों की बाउंड्री कैसे बनाई है। तो इधर जो मैप इन्होंने यूज़ करा है उसमें जो पीओके है
उसका उसको पाकिस्तान में दिखा दिया है, पाकिस्तान के मैप के हिस्से में दिखा दिया। अब एक बंदा कहता है कि भाई इसको चेंज कर दो, लोग भड़क जाएंगे, ये वो। ब्रो कॉन्टेक्स्ट समझो, उधर जो कॉन्टेक्स्ट है उधर बाउंड्री का कॉन्टेक्स्ट है, और इधर ये समझाया है कि दोनों जगह सेम है, दोनों एक ही तरीके के लोग रहते हैं, एक ही बोली में बात करते हैं और एक ही पार्ट का हिस्सा थे, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैप में ये कश्मीर गलत दिखा दिया या सही दिखा दिया। तब फर्क पड़ता है जब हम बात ही कश्मीर की कर रहे हो, इस टाइम हम बात किसी और चीज़ की कर रहे हैं। तुम लोग कॉन्टेक्स्ट क्यों नहीं समझते हो? कभी समझना चाहिए। फिर मजबादे पीछे लड़ मत खो, बैठे जंगी पाली थी जमीन तोड़ दो कर बैठे कहते हिंदू मुसलमान सड़ा बकरा ईमान भूल गए असी सारे इंसान उन दो मुल्क दो बादशाह दो अवाम दो फौजा हार या जीत दो अंजाम दो रास्ते लड़ाई की तरीकी ये बास्ते ये छड़ा सब प्रदेश के रास्ते बिल्कुल जड़ी। एक बंदे ने बहुत बढ़िया मैसेज करा था कि भाई जो बोहेमिया ने जमाना जाली में लिखा है वो तो असली में ही हो रहा है कि एक तो वो सब कुछ टूट फूट गया है पैंडेमिक की वजह से, सब कुछ बिखर गया है, मुझे पसीना भी इतना आ रहा है कि मैं रंग बिरंगा हो गया हूँ, और जॉर्ज फ्लॉयड वाले केस की वजह से पूरे 50,000 लोग एक शहर में आ गए, बीच में बिग शहर के बीच में आ गए रैली करने के लिए। पूरा कहरी हो रखा है अब तो पूरी दुनिया में। It was gonna happen anyways. I think we're the first artists to have been recognized as pioneers. It's because one of the first artists that to do it to the legit sort of a way. I think getting signed with labels and stuff like that. Bohemia is a visionary. See, कि ये होने वाला था, ये होता, ये होना था, होना तय था। बस मैं लकी रहा कि मैं शुरुआती दौर में आ गया मैं उस जगह के। पूरी वीडियो में जाके अब इन्होंने ढंग का रिएक्शन दिया है। 10 साल हो गई। It goes to show कि what real hip hop का जो लगाव। मैं बचपन से स्केच बना रहा हूँ वही में आके। ये तब से जब फैन फ्राइडे होता था फेसबुक पर तो मैं ईमेल किया करता था, और ये वीडियो भी अभी की नहीं है, 2018 की बनाई हुई वीडियो है। तो मैंने सोचा था ऐसी वीडियो बना दूंगा, क्या पता वही पोस्ट कर दे, आज तक कभी भी नहीं करा, इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट्री बना दी। पर खैर, अभी जाके सब्सक्राइब करेंगे किसी फैन ने। अब मैं भी ऐसी छोड़ दूं, मैं ना बताऊं कि ये सोहन और मोहन है reaction.com से। तो दोस्तों मेरा नाम है रोहित और मेरे साथ हैं मोहित। Are you in this story? हाँ बता, सॉरी शायद ये उनका ही हो, थर्ड टाइम में मतलब बंदा वैसा हो ही जाता है, जैसे कि अब अंग्रेजी में नहीं है भाई। और रैप तो भाई, रैप तो मतलब क्या ही बोले, कोई शब्द नहीं है उनके लिए। वीडियो में तुम्हारे पास शब्द नहीं है। चलो दोस्तों, काफी लंबी वीडियो होगी, अब पता नहीं क्या खड़खड़ 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 हो रही है, पर इनको मतलब नहीं है उससे कुछ। बाय बाय। कोई हेट नहीं है ब्रो इन दोनों को, reaction.com वाले रोहित और मोहित हैं। अच्छा लगता है मतलब किसी ने तुमने इतना अच्छा काम करा कि कोई और उस पर रिएक्शन वीडियो बना रहा है, उसको उस लायक समझ रहा है कि उस पर मैं रिएक्शन दूँ। मेरे को तो बहुत खुशी हुई। थोड़ा बहुत जो मैंने बोला है वो इसी पे बोला है कि थोड़ा काम कर सकते हो अपने रिएक्शन पे, रिएक्शन को रिएक्शन कर सकते हैं, और हम थोड़ा सा और एडिट भी कर सकते हैं, हम दोबारा से रिकॉर्ड कर सकते हैं, कभी खड़का हो जाता है, कोई आवाज़ हो जाती है, जैसे अभी कुत्ता भौंक रहा है, इसको तो मैं दोबारा से करूँगा। भाई लोग ये इनको भी तुम जाके प्यार देना reaction.com वाले, और तुम भाई लोग बस फ़ोन से बात कर। और भाई अब मैंने एक और वीडियो बनाई थी बोहेमिया पर काली दिनाली बॉय करके, उस पर भी रिएक्शन दो भाई। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।
मसीहा क्योंकि बचे हैं थोड़े दिन थोड़े दिन थोड़े दिन और गुजारने हैं थोड़े दिन और संवारने हैं थोड़े दिन बस इस करार में के बचे हैं थोड़े दिन थोड़े दिन।